जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश चुनाव निमट चुका है, यानी सारे चरण आज पूरे हो चुके हैं। आज 7 मार्च है, 7 मार्च को सातवां चरण होकर उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा निमट गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव निमटा यानी खत्म हुआ, वैसे ही हमारे देश के न्यूज चैनल एग्जिट पोल लेकर आ गए उत्तर प्रदेश का, और साथ के साथ जो और 4 राज्य हैं उनका भी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब का भी, और साथ में उत्तर प्रदेश का। पर मैं बात करूंगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की दोस्तों अगर हम बात करें, सारे के सारे न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल का अगर हम आंकड़ा देखें, तो सारे के सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि जो 203 का बहुमत का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, वो हासिल करता हुआ बीजेपी दिख रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और कोई कोई तो एग्जिट पोल ये भी दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 300 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, 300 से ज्यादा सीटें। यानी जैसे 2017 में मोदी और मोदी की लहर थी, योगी तो बाद में मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे मोदी की लहर थी वैसे इस बार योगी और मोदी की दोबारा से लहर है दोस्तों। पर दोस्तों मैं एग्जिट पोल को ये आपको बोलकर नहीं चला जाऊंगा कि ये एग्जिट पोल झूठे हैं। मैं आपको आंकड़ों से बात करूंगा कि ये आखिरकार एग्जिट पोल सच है, आखिर इन एग्जिट पोल की रियलिटी क्या है, आखिरकार इन एग्जिट पोल की सच्चाई क्या है। मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करूंगा, क्या ये दो 7 मार्च को एग्जिट पोल आज के दिन आए हैं, या ये एग्जिट पोल सेम के सेम 2-10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों के, क्या वो एग्जिट पोल सेम ऐसे ही नतीजों में भी होंगे। मैं दोस्तों आंकड़ों की बात करूंगा। दोस्तों अभी 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, पश्चिम बंगाल के आज तक के मैं आपको दिखा देता हूं एग्जिट पोल दोस्तों, एग्जिट पोल क्या कह रहा था और आंकड़े जब नतीजे आए क्या कह रहे थे एग्जिट पोल। ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, जब 2021 में नतीजे आने से पहले पश्चिम बंगाल का दिखाया गया था, जिसमें बीजेपी 147 सीटें दिखा रहे थे, टीएमसी को 143 सीटें दिखा रहे थे, सीपीएमआई को 2 और अदर को दोस्तों 0 दिखा रहे थे। यानी इसमें यह दिखाया जा रहा था कि कांटे की भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है, और किसी की भी सरकार इसमें बनती हुई नहीं दिख रही थी दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दिखा रहा था टीएमसी से, एक इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया का। वहीं जैसे आंकड़े आए, आंकड़े क्या कहते हैं, जब 2021 के आंकड़े आए वो देख लिए, 215 टीएमसी की आई, भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर रह गई, आईएनडी 1 और अदर को दोस्तों 1 सीट। दोस्तों टीएमसी जो है उसमें सुपड़ा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। यानी जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि 147 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, वो 17 पर रह गई, और जो टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से कम दिखा रहे थे दोस्तों वो सरकार बना ली। यानी जो 2016 में जैसे पश्चिम बंगाल के आंकड़े थे उससे भी कहीं ज्यादा ममता बनर्जी की सीटें आई। अब एक और आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, 2015 का जब बिहार का चुनाव हुआ था, बिहार का चुनाव जो हुआ था उस वो भी आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख लिए। ये एग्जिट पोल है, जब नतीजे आने से पहले बिहार के एग्जिट पोल आए थे, तो उसमें सारे के सारे 2015 में कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े थे दोस्तों, मोदी जी और एलजेपी जो है वो साथ में चुनाव लड़ी थी, जिसमें साफ ये दिखाया जा रहा था कि किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। ज्यादातर एग्जिट पोल तो ये भी दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, 155 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे थे, 127 भी दिखा रहे थे, और कोई कोई एग्जिट पोल बराबर की सीटें भी दिखा रहा था। पर जब आंकड़े आए तो जब आंकड़ों में क्या रहा वो भी देख लिए दोस्तों आप, जेडीयू को 71, आरजेडी को 80, कांग्रेस पार्टी को 17 और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 53 सीटों पर है और अदर को 4। दोस्तों सुपड़ा सा साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन ने, जो आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पार्टी का था। अब दोस्तों ये आप देख लिए, एग्जिट पोल कुछ और आते हैं, नतीजे कुछ और आते हैं। ये अब आप मुझे, आपको कोई एग्जिट पोल याद है
कि जो एग्जिट पोल सही हो, मुझे तो याद है नहीं कि एग्जिट पोल कोई सही रहा हो, मुझे कोई याद नहीं, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों ये सच्चाई मैंने आपको आंकड़े में बताई कि एग्जिट पोल की ये सच्चाई होती है। एग्जिट पोल जहां 2015 में बीजेपी को बिहार में सरकार बनाता हुआ दिखा रहा था, उल्टा हो गया 2021। ये तो ज्यादा दिन की, एक साल पुरानी ही बात मैं आपको बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में बराबर की कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दिखा रहे थे, पर टीएमसी ने सूपड़ा साफ कर दिया। अब ये जो 7 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजों से पहले एग्जिट पोल आए हैं, वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल की क्या है सच्चाई। चलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगा मेरी वीडियो को देखने के बाद, और आप क्या सोचते हैं एग्जिट पोल के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और मेरी आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर, सोशल मीडिया पर, सभी अपने कॉन्टेक्ट पर, सभी को लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।